आप देख रहे हैं पावर ऑफ जन अधिकार न्यूज, देश की हकीकत आपकी आवाज। ना सिर्फ धार, ना केवल रफ्तार, खबरों में सार और मजबूत आधार। कौन किस पर पड़ रहा भारी, किसका वार जा रहा खाली। जहां 24 घंटे मुस्तैद है रिपोर्टर्स की टीम, जहां हर खबर की होती है पड़ताल, सबसे तेज सबसे सटीक हर खबर। रामपुर मथुरा में मिले कोरोना पॉजिटिव, क्षेत्र में हड़कंप, 200 मीटर एरिया को किया गया सील व सैनिटाइज। रामपुर मथुरा सीतापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत इस सप्ताह लगभग 90 से अधिक सैंपल लिए गए थे, जिसमें 3 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिससे रामपुर मथुरा क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। आपको बता दें कि रामपुर मथुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से KNM व थाना से 2 पुलिस कर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे क्षेत्र के लोगों में हड़कंप मच गया। आज रामपुर मथुरा थाना प्रांगण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा पुलिस चौकी बहादुरगंज को सैनिटाइज किया गया है। साथ ही साथ थाना प्रांगण, पुलिस चौकी बहादुरगंज, CHC प्रांगण आदि के चारों ओर लगभग 200 मीटर का क्षेत्र पूर्णतः सील कर दिया गया है। सीतापुर से नीम कुमार मिश्रा की रिपोर्ट, ब्लॉक रामपुर मथुरा। साथियों, आज मैं उपस्थित हूं कस्बा बहादुरगंज में, थाना रामपुर मथुरा, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे भी हाल ही में अभी कोरोना का मामला जो है नज़र में आया है। जो यहाँ के चौकी इंचार्ज हैं कस्बा बहादुरगंज के, सुनने में आया है कि पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। आइए हम चौकी में कुछ बात करते हैं स्टाफ से, देखते हैं क्या बताते हैं। चौकी के जो है दीवान जी हैं, आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या मामला, कैसे जानकारी मिली। हाँ दीवान जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवराज वर्मा है। जी जी वर्मा जी, तो बताइए दर्शकों को कि कैसे जानकारी मिली कि सर जी को जो कोरोना पॉजिटिव, कैसे कि अभी हाल ही में रामपुर मथुरा जी CSC साल में चेकिंग हुई थी जी, मेरे समस्त फोर्स की जी और पब्लिक की भी, और एक कैंप लगा था जी, जिसमें चेकिंग की गई थी समस्त कर्मचारियों की, अधिकारियों की, जिसमें सभी निगेटिव आए हैं जी। परंतु दुख के साथ कहना पड़ता है जी कि हमारे चौकी इंचार्ज जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जी, और एक हमारे विजय मुंशी हैं कंप्यूटर जी, जो कंप्यूटर में है जी। मुझे आज सुबह मालूम हुआ, माननीय SO महोदय द्वारा हमारे जी बताया गया कि आप लोग किसे जी, हमारे चौकी इंचार्ज साहब जो है कमरे में बंद हैं अपने जी, और चौकी क्षेत्र का, चौकी का एरिया जो है 200 मीटर दूरी तक हम लोगों ने जो है सील कर दिया है, और कोई आने जाने के रास्ता नहीं है, बंद करा दिया गया है। सावधानी के तौर पर हम लोग इस पर देखभाल कर रहे हैं जी। तो अभी सर जी को जो है यहाँ अभी भेजा नहीं गया यहाँ से? नहीं, भेजना तो अभी भेजा नहीं गया है, कोई ऐसा आया नहीं है भेजा जा सके, परंतु आगे का जो कार्य तो होगा वो करेंगे, जाएंगे। फिलहाल अभी तो कमरे में बंद है जी। इनका सर, उनका सर जी का क्या नाम है? उनका नाम है शैलेंद्र कुमार सिंह कनौजिया जी, और अभी वहाँ क्या नाम द्वारा खैराबाद से पोस्टिंग कर रहे हैं जी। अभी हाल ही में जी और चेकिंग हुई थी इनके, और पार्टी पाने जी। तो ये थे हमारे शिवराज वर्मा जी, जो बताए इनकी जो है अभी 4 दिन पहले यहाँ पे पोस्टिंग हुई थी, और 4 दिन पहले जब यहाँ पे आए थे जांच करा करके तो कोई निगेटिव था इनकी रिपोर्ट थी, और आज इनकी जो रिपोर्ट आई पॉजिटिव आई है, इसलिए यहाँ का जो है 200 फीट एरिया जो है यहाँ का सील किया गया है, और सबको जागरूक कैंप में लगे हुए हैं, और यहाँ का जो है काफ़ी सन्नाटा सा छाया गया है मार्केट में। ठीक है, आपको दिखाते हैं वहाँ तक एरिया। कस्बा बहादुर इनको सील कर दिया गया, और तुरंत लमसम 2-3 घंटे में यहाँ पर सैनिटाइज़र के लिए, यहाँ पर जो है पुलिस की जो है सहायता कर्मी जो यहाँ के हैं सैनिटाइजर के लिए भी बहादुरगंज चौकी पे पहुंच चुके हैं, जो बराबर काम किया जा रहा है। और
पास 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 पास